हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 46। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों से एक बंच बनाना सीखा था। यहाँ मैं आपको तीन तरह के लोटस से रिलेटेड बंच बनाना बता रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इन्हें बनाना बहुत आसान है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी मैंने जस्ट परसों शाम के वक्त एक मतलब होमवर्क दिया था मेरे कम्युनिटी टैब पे। मतलब मैंने एक शेप बना दी थी और उसको फिल करके देना था। मतलब ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, चार पांच ही आए मेल पर, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, खास नहीं लगा। ना तो वो प्रॉपर हाथ दिख रहा है, ना वो प्रॉपर डिज़ाइन दिख रहा है। मतलब थोड़ा अच्छे से बढ़िया से आप ख्वाहिश रखते हैं प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट बनने की, और आप का अगर टेस्ट लिया जाए तो आप इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, तो इस तरह आपको नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से, सलीके से आप पेपर पे अपना हाथ अच्छे से बनाइए, उसमें डिज़ाइन क्रिएट कीजिए और फिर मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। उस पोस्ट पे आप दोबारा मुझे सेंड कर सकते हैं डिज़ाइंस। और उसका मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाती मैं आप सभी के डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन के ऊपर। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाकर उसको फिल करके मुझे दोबारा से भेजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजेंगे, आपके प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मेरे कम्युनिटी टैब से जुड़े रहिए, फिर से भाग गए, पहले बीच में तो बहुत जुड़े रहते थे। तो चलिए डिज़ाइन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ जो लोटस बनाया, ऐसा लगता है ना जैसे टूटी हुई डंडी, मतलब वो लोटस खिला हुआ लटक गया, इस तरह का डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। बहुत ईजी है, सीधी डंडी करके मैंने नीचे को डंडी कर दी है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये सारे टॉप के डिज़ाइन हैं, जब आप हिना स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये ब्राइडल स्टार्टिंग मेहंदी है, ब्राइडल स्टार्ट मेहंदी डिज़ाइन है। जैसे आप ब्राइडल में भी ये डिज़ाइन 100% यूज़ कर सकते हैं एकदम टॉप पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ी चीज़ें हम ब्राइडल की, पिकॉक से रिलेटेड सब चीज़ें अब मिक्सअप लेने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी फिलिंग मैंने वैसे आपको सिखा दी है, और बीच बीच में बॉक्स की फिलिंग भी मैं लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बॉक्स फिलिंग मैंने आपको नहीं सिखाई है, काफ़ी वीडियोस पहले ही डाली थी। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। मतलब हमें इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना है कि उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने गोला गोला कर दिया, छोटी अम्बी बना दी, पत्ती बना दी, मतलब इस तरह का होना चाहिए डिज़ाइन। ज़्यादा दिखना चाहिए, डार्क पोर्शन थोड़ा हल्का दिखना चाहिए, ताकि वो और भी सुंदर लगे, उभरा हुआ लगे। अगर अपन डार्क डार्क कर देंगे ना तो एक दूसरे में घिलमिल हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हम डार्क कर देंगे, इसे ही 3D मेहंदी डिज़ाइन कहते हैं। 3D मतलब उभर कर दिखना, अच्छा दिखना। उभर कर ये दिख रहा है, जो हमने लोटस बनाए हैं डार्क करने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा उभर कर हो रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के डिज़ाइन को ही हम 3D डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। हमें मुझे काफ़ी कमेंट आए थे पहले कि हमें 3D डिज़ाइन सिखाइए, यही 3D डिज़ाइन है। आप अगर मोटी मोटी डिज़ाइन बनाकर उसके चारों तरफ अगर बहुत डार्क मेहंदी लगाते हैं तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पत्तियाँ, इन्हें हम शेड कर देंगे। शेड करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हल्की सी मेहंदी निकाल कर उसको बस फैलाना है, सिर्फ नोक से फैलाना है, कोन की नोक से, और कुछ भी नहीं। शेड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना है, बस इसका ज़रूर दिमाग में रखना। जहाँ ज़्यादा स्पेस दिखे वहीं आपको शेड करना है, कम स्पेस में नहीं करना है, नहीं तो लाइन मिसमैच हो जाएंगी। अब आप ये देखो, मैंने नीचे से क्या इसमें बॉर्डर स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब नीचे से आप और मेहंदी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एकदम टॉप का है, क्योंकि ज़्यादातर लोटस टॉप पे बनाया जाता है या सिर्फ मतलब अंगूठे पे बनाया जाता है, बैक साइड या फ्रंट साइड, ज़्यादातर तो वहीं अच्छा लगता है। या अगर बीच में आप पिकॉक ले रहे हैं तो उसके साथ बना सकते हैं। पिकॉक के साथ कैसे बनाया है ये भी मैंने आपको बताया है इसमें। और पहले जब मैंने पिकॉक की क्लास ली थी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे पिकॉक की क्लास भी लूँगी लोटस के साथ में, तो मैं पिकॉक और लोटस मिक्स करके आपको बनाना बताऊँगी कि हम किस तरह से मिक्स करके बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीके बताऊँगी, इसीलिए ब्राइडल में बहुत लेट हो जाएगा मुझे। मैं यूँ नहीं हूँ कि चार क्लास बता दी लोटस की, चार क्लास बता दी पिकॉक की, और लेके आ जाओ ब्राइडल और ख़त्म खेल, और फिर बनाने लग जाओ लंबे लंबे डिज़ाइन। ऐसा नहीं है, सिर्फ सिखाना है तो अच्छे से ही सिखाऊँ, टाइम पास नहीं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। वो डिजाइन हमारा क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं। इस तरह से लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए, जैसे हम एक बेस बना लें, एक स्ट्रक्चर बना लें, कि हमें इस तरह से यहाँ डिजाइन क्रिएट करना है। सारे लोटस सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आता है 3D लोटस, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, उसकी तो बनारसी के साथ क्लास लेंगे, जो बनारसी डिज़ाइन बनते हैं उसके साथ, उस 3D लोटस की, मतलब कम्प्लीटली पूरा 3D है
उसकी हम क्लास अलग से लेंगे, पर पहले हम थोड़ा इस तरह का सीख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने डॉट डॉट करा है, उसमें पहले वाली वीडियो में मैंने गोले गोले करे थे, इसमें मैंने डॉट डॉट किया है। बहुत इजी होता है बनाना अगर आप देखूंगी कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे जो डिज़ाइन आया ना, इतना टाइम हो गया है, 2 साल होने को आ गया है, पर इतना कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, मतलब मेरा वीडियो डालना थोड़ा कम क्या हुआ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया। इसलिए अब मैं होमवर्क दूँगी और प्लीज़ उस होमवर्क को प्रॉपर तरीके से करके दें। ऐसा नहीं है कि बस एहसान कर दिया कि हाँ दिया जो लोग बना के लोग पकड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जो मैं खाली जगह देती हूँ ना, उसको फिल करना है। एक दो जनों ने तो मुझे वो जैसा मैंने बना के दिया ना खाली जगह, वही खाली जगह बना के मुझे दे दिया। अरे इसमें फिल भी तो करना होता है, इसमें फिल कर कर दीजिए, फिलिंग करके दीजिए। मेरी काफ़ी क्लासेस हैं फिलिंग की, वहाँ पर देख कर आप उनको मिक्स करके फिलिंग करके मुझे सेंड कीजिए। अभी देखिए इधर पत्ती उधर पत्ती करके मैंने उसको थोड़ा क्या भर भर दिया। इस तरह से आपको भरा भरा बनाना है, ठीक है? हो गया, अब हम इसे डार्क कर लेंगे। शेड बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। ये इस वाले लोटस में मैंने वो हार्ट वाली थोड़ी पत्तियां बनाई हैं, इसमें नॉर्मल पत्ती बनाई है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं आप। एक जैसा भी बना सकते हैं, उसमें इसमें भी हार्ट वाला बना सकते थे, पर मैंने दोनों को मिक्स करके आपको यहाँ बताया है ताकि मुझे अलग से बताना ना पड़े। बस डार्क जो करते हैं ना प्रॉपर करना है, क्यों नहीं कि डिज़ाइन के अंदर ही घुसा दिया तो फिर डिज़ाइन कैसे दिखेगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और जो बिगड़ा होता है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। पूरी मेहंदी सुधरी हुई हो, बढ़िया बनी हुई हो, और जहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई ना वो ही सबसे ज़्यादा दिखेगी सबको कि यहाँ गड़बड़ हो गई। बस हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना होता है और थोड़ी मोटी मेहंदी निकलने लग जाती है। अब इसके नीचे बॉर्डर बना देंगे। मैंने इसमें पूरा बॉर्डर नहीं बनाया, बस इसी को ही थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है। कोई भी बॉर्डर ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, चाहे जैसा बॉर्डर आप यहाँ पर ले सकते हो। ये डिज़ाइन भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ ना मैं पीकॉक, ये थोड़ा साइड पीकॉक बनेगा। आप देख सकते हैं इसे मैं बनाकर तो आपको सीधा ही बता रही हूँ, पर ये बनेगा साइड में, मतलब जो मोर की गर्दन होगी ना वो आपके लेफ्ट या साइड में होगी, टॉप पे नहीं होगी। लेफ्ट या राइट में होगी, टॉप पे नहीं होगी। और यहाँ से मैं इसके नीचे से ये लोटस का 3D लुक लेने वाली हूँ। जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा ना, जो आप इसको सीधा करके देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसको इजीली बना सकते हो आप। लेफ्ट की तरफ इसका फेस करना चाहो तो लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, चाहे जैसे आप इसको कर सकते हो। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, कोई भी आप इजीली इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता ना वो भी इतनी परफेक्ट मेहंदी। मैं ही उदाहरण हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं आता था और मैं कोन लेकर ऐसे ही बैठती थी, बस कभी पेन पे, कभी कॉपी पे, कभी फर्श पे, बस कुछ ना कुछ देख देख के कॉपी में से। पहले तो कॉपी होती थी, मोबाइल तो होते नहीं थे, बुक आती थी या न्यूज़पेपर में आता था डिज़ाइन, उनको देख देख के बनाती रहती थी। मेरा इतनी अच्छी फिनिशिंग आ गई खुद से ही, तो मेरे को किसी क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मैं क्लास में भी एक बार मेरी छोटी बहन गई थी जो सीखने गई थी, जो मुझे तो कुछ खास नहीं लगी उसमें, जो मैंने भी नहीं सीखी तो पहले मैंने है ही नहीं, बस मैंने देखा था कि इस तरह का सिखा रहे हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, बल्कि जो सिखा रहे थे उससे तो बेटर मैं उस वक्त लगा ही लेती थी। इसलिए मैंने क्लास कुछ भी नहीं ली, क्योंकि कुछ सिखाते नहीं हैं, इतना कुछ खास नहीं सिखाते हैं वहाँ पर। मुझे सीखना था एकदम बारीकी से, एकदम जैसे मैंने सिखा है ना खुद से, वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत बारीकी से कि किस डिज़ाइन को किस तरह मैं एक्सप्लेन करूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इसी तरह मैंने खुद से समझा है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ।
देख सकते हैं यहाँ पे कितना सिंपल मैंने एकदम खुला खुला डिज़ाइन बनाया। मैंने आपको बताया था कि 3D अगर आप बना रहे हो तो उसके पास में थोड़ा खुला सिंपल डिज़ाइन बनाएं ताकि अच्छा लगे। अब बस इसे हम डार्क कर देंगे। पीकॉक अगर आपको नहीं बनाना आता है तो उसकी क्लासेस आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पे ही अपलोड है पूरा बेसिक से। उन पीकॉक क्लासेस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट मेरे वीडियो पे चले जाएंगे और आप पीकॉक बनाना सीख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लिया करो भाई, तुम लोग बस देखते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना बेल बटन दबाते हो। सबसे पहले देखनी है नहीं देखनी वीडियो, ये सबके लास्ट में देखनी है। तभी तो कोई 10वीं क्लास में है तो कोई 5वीं क्लास में पढ़ा है अभी तक, ऐसे सब लोग साथ में चलेंगे ना। अगर आप सब्सक्राइब करो जैसे ही क्लास आई वैसे उसी वक्त प्रैक्टिस करना है आपको। ये लीजिए कंप्लीट हो गए हैं हमारे तीनों डिज़ाइन। इनकी और अच्छी प्रैक्टिस करके ये भी सेंड करना चाहते आप कर सकते हैं। आप देखिए लोटस कितना खूबसूरत लग रहा है, पिकॉक वाला ये इस तरह का शेप आता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड से बनाया था कि आप प्रॉपर इसको सीख सकें। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन ज़रूर दबाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।